hello everyone i hope all of you are doing well so in this video i am going to discuss about english beehive book 1 for class 9th chapter 1 so let's begin so the name of chapter is the fun they had ओके सो बेसिकली ये स्टार्ट इस तरह से हो रहा है कि ये बता रहे हैं किसी फ्यूचर के अंदर कि हम लोग जितने भी जो स्टोरी है वो इस तरह से वो बता रहे हैं कि जो बुक है जो इनको मिली है इन करेक्टर्स को वो बता रहे हैं उस बुक को रीड करते हुए कि जो फ़न था जो मज़ा था पुराने दौरों में ठीक है पढ़ाई का और बाकी सब चीज़ों का वो कितना था और अब जो है हम किस तरह की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं ठीक है फर्स्ट so पैराग्राफ so, uh, है वो स्टार्ट हो रहा है यहां से मारजी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ठीक है मॉर्जी जो है वो एक करेक्टर है ठीक है शी इज बेसिकली फीमेल एज ए नेम सजेस्ट एंड इवन रोट अबाउट एट दैट नाइट इन हर डायरी ठीक है उन्होंने बेसिकली लिखा है रात के वक़्त अपनी जो डायरी है उसके अंदर ऑन द पेज हैडेड सेवनटीन्थ मई टू थाउजेंड सॉरी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी जो है ये आ गई है और ये हमारे पास है कोई वन थर्टी सिक्स ईयर्स का जो है ना गैप वन थर्टी सिक्स वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स जो ईयर्स है ना उसके बाद जो है स्टोरी उसके बारे में बताई जा रही है ठीक है क्योंकि अभी तो हम अभी बैठ कर रहे हैं ये स्टोरी लेकिन जो अगले आने वाले साल हैं उस फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि क्या हो रहा है ठीक है और ये जो हमारे जो एनसेस्टर्स हैं उन्होंने कैसे टाइम गुजारा है ठीक है शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक क्या मिला टॉमी को मिली एक असली किताब ठीक है सो इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक ये बहुत पुरानी किताब है मार्जीज़ ग्रैंड फादर वन सेट दैट व्हेन ही वॉज अ लिटल बॉय मार्जी के जो ग्रैंड फ़ादर थे उनके जो दादा थे उन्होंने कहा था दैट वेन ही वॉज अ लिटल बॉय जब वो छोटे थे ठीक है जब वो छोटे से लड़के थे हिज ग्रैंड फादर उनके जो ग्रैंड फादर थे मतलब उनके भी जो दादा थे टोल्ड हेम देट देर वॉज अ टाइम वेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर ठीक है एक टाइम था ठीक है कि जब सारी की सारी कहानियाँ जो थी वो किताबों के ऊपर या पेपर के ऊपर एक वर्क के ऊपर लिखी जाती थीं ठीक है वर्के के ऊपर लिखी जाती थी दे टर्न देज वो क्या करते थे कि उन वो वर्कों को आगे पीछे कर सकते थे बदल सकते थे विच वर येलो जो कि पीले कलर के होते थे पीले रंग के होते थे एंड क्रिंकली मतलब खस्ता हाल थे एंड इट वॉज ऑफ फुली फनी ऑफ फुली फ़नी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खौफनाक तौर पर कह सकते हैं टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ठीक है तो मतलब ये है कि जो हमें जिस चीज़ का है कि जिस डोर में अब हम लोग रह रहे हैं जो मार्जी जो है जिस डोर में रह रही हैं ठीक है थीके? और ये ये बुक पढ़ रही हैं उस डोर में हर जो चीज़ है वो स्क्रीन के ऊपर आई जा रही है और वो मूव कर रही है जबकि वो समझती हैं कि जो जो लफ्स हैं अल्फाज हैं वो रुके हुए हैं एक जगह पर ही हैं ठीक है थीके? और वो इधर उधर मूव नहीं कर पा रहे इधर उधर नहीं जा सकते जिसका हमें लगता है कि वो इधर उधर जाते हैं ऑन अ स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर यू नो आप जानते हैं एंड टर्न बैक टू देज बिफोर और जब वो उसी पेज को उसी वर्के को पीछे ले जाते हैं इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट और उसके सेम ही मतलब एक जैसे ही अल्फाज होते हैंड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम पहली दफा उसको पढ़ते हैं और देखते हैं वही अल्फाज होते हैं उसके पिछले पेज पर भी पिछले वर्के पर भी लेट्स मूव टू इट्स सेकेंड पैराग्राफ जी सेट टॉमी ठीक है वॉट अ वेस्ट ये क्या मतलब वेस्ट है ये क्या हमारे पास कह सकते हैं कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है ज़ाया है ठीक है when यू आर थोरो when यू आर थ्रो विद द बुक when यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे ठीक है आई guess Uh, तो जब आप इसको uh, हम कह सकते हैं कि जब आप थ्रू करना चाहो ठीक है ज़ाया करना चाहो तो हम इसको ज़ाया कर सकें आई गेस हमें uh, मुझे लगता है अब टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स हमारी जो टेलीविजन की जो हमारे पास स्क्रीन हैं ठीक है थीके, जो टी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा किस्म uh, की किताबें हैं मिलियन किताबें हैं ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लैंटिंग मोर और इसके अंदर और भी आ सकती हैं ये अच्छे अच्छा एक सोर्स है आई वुड नॉट थ्रू इट अवे मैं इसको नहीं फेंक सकता सेम विद माइंड मै जी भी कहती हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही है शी वॉज एलेवन एंड हैड नॉट सीन एनी एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड तो उसके पास इतनी किताबें नहीं हैं टेली बुक्स नहीं है ही वॉज थर्टीन जो टॉमी है वो थर्टीन जो थर्टीन उसकी जो उम्र है वो तेरह साल है शी सेड वे डिड यू फाइंड इट तुमने कहाँ से ढूँढी इन माई हाउस अपने घर से ही पॉइंटिड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग और उसने पॉइंट आउट कर दिया उस जगह को और देखा नहीं कि कहाँ पर वो पॉइंट आउट कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है पढ़ने में इन द एटिक एटिक जो है यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि एक, एक रूफ़ होता है ठीक है स्पेस बिलो द रूफ़ यूज एज अ स्टोर रूम तो स्टोर रूम तरह का एक कमरा होता है जहाँ पर आप जो है किताबों का एक किस्म की लाइब्रेरी सी बना सकते हैं वट इज़ इट अबाउट वो किस लिए है स्कूल मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल स्कॉर्नफुल मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हकारत अमेज़ तरीके से देखने लगी मतलब बहुत ज़्यादा उसको अजीब सा फील हुआ स्कूल वट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है ठीक है आई हेट स्कूल उसने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगता है स्कूल मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर ठीक है मार्जी को हमेशा से स्कूल बहुत बुरा लगता था लेकिन अब उसको उससे भी ज्यादा बुरा लगता है ठीक तो है द मकैनिकल टीचर द मकैनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी तो मकैनिकल टीचर वो हैं जो इसको ऑनलाइन टीच कर रहे हैं ठीक है मकैनिकल हैं फिजिकल नहीं टीच कर रहे और वो बार बार उसको क्या देते हैं टेस्ट दे देते हैं ठीक है और वो बार दे और वो बार उस टेस्ट के अंदर मतलब जियोग्राफी का टेस्ट है ठीक है जो आप लैंड्स के वगैरह में जितनी भी लैंड स्के लैंडस्केप है ओशन इन सबकी स्टडीज को जियोग्राफी कहते हैं एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स और वो जब से इस बारे में पढ़ रही है वो इसमें बुरी से बुरी होती जा रही है अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सॉरोफुली उसकी जो माँ है ठीक है उसकी जो अम्मी है वो बेसिकली उसका जो हसर है वो हिलाती हैं ज़ोर से एंड एनसेंट हर फॉर काउंटी इंस्पेक्टर और वो कहाँ पर भेजेती हैं काउंटी इंस्पेक्टर के पास काउंटी के इंस्पेक्टर के पास फोर्थ पैराग्राफ इज़ ही वॉज राउंड लिटल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डाइल्स एंड वायर तो बेसिकली इसके अंदर वो बता रहे हैं उसकी जो फिजिकल अपेयरेंस है और उसके पास क्या चीज़ें हैं कुछ टूल्स हैं कुछ औजार हैं एंड विद डाइल्स एंड वायर्स ठीक है कुछ तारें वगैरह हैं डाइल्स हैं ठीक है ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल वो उसकी तरफ देख कर मुस्कराते हैं मार्जी की तरफ और उसको एक सेब uh, देते हैं देन टुक द टीचर अ पार्ट और टीचर को दूर ले जाते हैं मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर ऑल्सो देर इट वॉज अगेन तो बेसिकली वो वापिस आ जाते हैं लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली लार्ज ब्लैक एंड अगली ठीक है ये उन्होंने इस्तेमाल किया इसके अंदर जो राइटर है उन्होंने ठीक है Uh, with a big screen on which all the lessons were shown and the कोश्चन were asked. ठीक है तो basically बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर सारे जो हैं वो lessons दिखाए जा रहे होते हैं और सारे जो सवाल हैं वो उसके ऊपर दिखाए जा रहे होते हैं That was not so bad. ये ज़्यादा इतना बुरा नहीं था दार्ट मारजी हेटेड तो मारजी को जो चीज़ सबसे बुरी लगती है वो क्या है मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होम वर्क एंड टेस्ट पेपर शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोर्ट दे मेड हर लर्न वेन शी वॉज सिक्स ईयर ओल्ड एंड इन द मकैनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम सो बेसिकली सबसे बुरी चीज़ जो मार्जी को लगती है वो ये लगती है कि उसको होमवर्क करने पड़ते हैं और उसके बाद जब होमवर्क वो कर लेती है छः सा, छः साल से जब वो थी तब से वो कर रही है और उसके मकैनिकल टीचर जो है वो विदाउट एनी टाइम बहुत जल्दी से उसके मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं उसके जो टेस्ट वगैरह हैं उसके ठीक है और उसको बार बार से काम देते रहते हैं घर के लिए ठीक है सो लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स फिफ्थ पैराग्राफ द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड तो बेसिकली इंस्पेक्टर जो हैं वो हंसते हैं थोड़ा सा आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड जब वो खत्म हो जाते हैं खत्म कर देते हैं काम को एंड पे पैटेड मार्जीज हेड तो वो क्या करते हैं जो मार्जी की शोल्डर है उस हेड uh, है उसके ऊपर थोड़ा सा थपथपाते हैं ही सेट टू हर मदर वो उसकी जो माँ है उनसे कहते हैं इट इज़ नॉट द गर्ल्स लिटल गर्ल्स फॉल्ट ये जो बच्ची है इसका इसकी गलती नहीं है मिसिस जोन्स जो उसकी माँ है उसका नेम यहाँ पर मैंशन है आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज़ गियर्ड अ लिटल टू क्विक ठीक है कि मुझे लगता है कि जो uh, ज्योग्राफी का सेक्टर है ज्योग्राफी जो, जो एज अ सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा उसको गेर्ड करने की ज़रूरत है थोड़ा सा जल्दी पढ़ा देते हैं हैपन सम टाइम्स ठीक है आ, ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है थोड़ा सा टाइम लेती हैं आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज टेन जीयर्स लेवल तो मैंने इसको थोड़ा स्लो कर दिया थोड़ा आहिस्ता कर दिया दस साल के लेवल तक पर एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिसफैक्ट्री जो उसका आम जो एक तरीक़ार है जो एक एज अ स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा तसली बख्श है एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन दोबारा से उनको उसके सर पर थपकी देते हैं वो मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है बहुत ज़्यादा उसको बुरा फील हो रहा होता है शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर उसको लगा था कि जो उसका टीचर हैं वो उसको दूर ले जाएंगे इससे दे हैड वंस वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्पलीटली तो बेसिकली कुछ अर्से पहले टॉमी के टीचर्स को भी वो दूर ले गए थे लेकिन मेरी उस वो कह रही है कि मेरी बारी में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो हिस्ट्री के टीचर थे और वो बिल्कुल ही ब्लैकड आउट थे उनको इतना कुछ खास आइडिया नहीं था ठीक है So she said to Tommy, Tommy, si kehti hai, why would anyone write about school? क्यों लोग जो है कोई ऐसे कैसे किसी स्कूल के बारे में लिख सकता है टॉमी लुकड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज ठीक है उसने ऊपर करके आंखें उसको देखता है बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है स्टोपेट दिस इज द काइंड ऑफ दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल ये पुराने दौरों का स्कूल है दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ ईयर जो हंड्रेड से हंड्रेड ईयर्स पहले भी था ही एडेड लॉफ्टली लॉफ्टली मतलब बहुत ज्यादा बुलंदी से ठीक है प्रोनाउंसिंग द वर्ल्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो सदियों पहले ठीक है मार्जी वॉज हर्ट मार्जी जो थी उसको बहुत बुरा फील हो रहा था वेल आई डोंट नो वट काइंड हैड ऑल दैट टाइम अगो मुझे नहीं पता कि वो उस टाइम पर कैसा स्कूल था उस वक्त में कैसा ये जो था स्कूल था शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वल सैड एनी वे देड अ टीचर जैसा भी है लेकिन उनके पास उसताद थे ठीक है लेट्स मूव टू इट्स नेक्स्ट पैराग्राफ इज So, um, here it is, uh, sure. दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर इट वॉज अ मैन तो जो टॉमी है वो कहता है कि जो टीचर्स थे टीचर्स थे उस्ताद थे उनके पास जो गुरु थे जो उनको टीच कर रहे थे लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे वो एक आम एक इट वॉज अ मैन मैन थे जस्ट अ मैन हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर एक आम बंदा कैसे टीचर हो सकता है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्ट देम क्वेश्चन ठीक है तो वह बच्चों को काम देते थे और उनसे सवाल जवाब कर देते थे और होमवर्क दे देते थे अ मैन मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ़ तो वो कहते हैं कि मैन जो है एक आम आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता श्योर ही इज वो थे माई टीचर मेरे जो मेरे जो फादर थे मेरे जो अबू थे उनको मेरे से जो uh, uh, उनको मेरे टीचर से भी ज्यादा मेरे उस्ताद और गुरु से भी ज्यादा चीजें आती थी ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बी टैच तो बेसिकली उनको uh, बहुत ज़्यादा पता था चीज़ों का मार्जी वॉज नॉट प्रीपेयर टू डिस्प्यूट दैट शी सैड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी तो बेसिकली मार्जी कहती है कि मुझे जो है कोई भी ऐसा अन इंसान नहीं चाहिए जो मुझे टीच करे जो मुझे पढ़ाए टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर वो हंसने लगा ठीक है यू डोंट नो मच मार्जी तुम्हें नहीं पता ज्यादा द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस वो टीचर जो है वो उस घर में नहीं रहता दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर तो उनके पास क्या होती है बहुत बुलंद सी कोई एक स्पेशल सी इमारत होती है जहाँ पर सारे बच्चे जो है जाते हैं पढ़ने के लिए एंड ऑल द द किड्स सेम थिंग और हर बच्चा एक एक ही चीज याद करता है, बट माई मदर सेज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड बी टॉट डिफरेंटली तो बेसिकली तो उसने कहा है कि मेरी जो अम्मी है वो कहती हैं कि हर जो टीचर है उसको चाहिए कि वो एडजस्ट करे ठीक है एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल तो बेसिकली उसको हर बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंगली हर चीज सिखानी चाहिए ठीक है और हर एक को डिफरेंटली हर एक का माइंड होता है तो हर एक का माइंड के अकॉर्डिंगली सिखाने के लिए ज़रूरी है कि वो हर एक को डिफरेंटली टीच करे, मुख्तलिफ तरीके से टीच करे। पढ़ाए ठीक है जस्ट द सेम दे डिड नाट डू इट दैट वे न इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगा तो तुम इस किताब को ना पढ़ो आई डिट से इट मैंने नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं आई मारजी सैड को एक्ली शी वॉन्टिड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल वो उस जो बहुत ज्यादा फनी स्कूल थे उनके बारे में पढ़ना चाहती थी दे वर नाट इवन हाव फिनिश मैन मारजीज मदर कॉल मारजी स्कूल तो बेसिकली मारजी लुक टप नॉट येट मामा तो बेसिकली वो उसकी जो अम्मी है उसको बुला लेती हैं कि स्कूल चलना है नाउ सैट मिसिज जॉन मिसिज जॉन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू टॉमी के लिए भी वक्त हो चुका था कि स्कूल का मारजी सैट uh, मार्जी सैड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल तो मार्जी वैसे के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ कर मज़दीद ये वाली जो किताब है ये पढ़ सकती हूँ मे बी शायद ही सैड नॉन चैलेंटली ठीक है उसने ये बात कही उससे नॉन चैलेंटली का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो मतलब आप बेफिक्री से कह दो ठीक है किसी चीज़ की आपको फिक्र ना हो ठीक है ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बिनीथ हिस् आर्म तो उसने अपने आर्म्स के नीचे अपने आ, जो किताब थी उसको दबा लिया मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम वो अपनी स्कूल रूम में चलेगी इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम बेडरूम के साथ ही उसका स्कूल रूम था एंड द मकैनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर जो मैकेल टीचर थे उसके वो वेट कर रहे थे उसका ठीक है इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे तो वो हमेशा ऑन होते हैं ठीक है उसी टाइम पर उसी वक्त पर उसी दिन पर सिवाय किस दिन के सैटरडे और संडे हफ्ते और इतवार के अलावा ठीक है सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ सो बेसिकली नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कैसे मार्जी जो है वो अपनी क्लास ले रही हैं ठीक है ठीके? और मैकेनिकल टीचर उसको गाइड कर रहे हैं द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन ठीक है screen, तो ये उन्होंने पिक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर ऑर्स तो उनको लगता है कि जो जो उसकी अम्मी है मोर जी की वो कहती हैं कि अगर जो छोटी जो लड़कियां होती हैं वो अगर रोज़ाना के दो बेस पर पढ़ें तो वो अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न कर लेती हैं द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेट टूडेज़ अर्थमेटिकन द एडीशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस Fractions के बारे में लेसन है अर्थमेटिक जो है लेसन जो है मैथमेटिक्स का प्लीज़ इंसर्ट जस्ट होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट आप अपना जो पुराना जो पिछला काम था घर का वो आप इसके अंदर डाल दें ठीक है मार्जी डिड सो विदसाए वो उसने थोड़ा सा सुख का सांस लिया ठीक है शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंड फादर्स ग्रैंड फादर वॉज लिटल बॉय ठीक है तो बेसिकली वो सोचने लगती है कि कैसे उनके जब जो दादा थे या उनके जो दादा के भी जो जो दादा के दादा जब ये सब जो छे छोटे लड़के हुआ करते थे ठीक है ऑल द किड्स फ्राम द होल नेबरहुड केम लॉफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टूगेदर इन द स्कूल रूम गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे तो कैसे वो लोग हंसते थे शाउट करते थे इकट्ठे चलते थे ठीक है uh, और स्कूल रूम की तरफ चले जाते थे वापसी टाइम पर अपने इकट्ठे ही एट द एंड ऑफ द डे जब uh, जैसे ही दिन ख़त्म हो जाता था तो इकट्ठे घर जाते थे दे लर्न द सेम थिंग वो एक जैसी चीज़ें समझते थे पढ़ते थे सीखते थे सो दे कुड हेल्प वन एन अदर ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें मदद कर सके विद दी होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट और वो उससे उस होमवर्क उस की जो उनको होमवर्क मिलता है और उसके बारे में बात कर सकें एंड द टीचर्स वर पीपल जो टीचर्स थे वो क्या थे आ, लोक थे द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वेन वी एट्रैक्शन वन बाय टू एंड वन बाय फोर तो वो बेसिकली जो मैकेनिकल टीचर था वो अभी इसी के बारे में लिख रहा था मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज कैसे जो आ, ओ, ओ, जो किड्स थे या जो बच्चे थे पुराने दौरों में वो इन चीज़ों को कितना पसंद करते होंगे पुराने दौरों में इस तरह की सेटिंग्स को ठीक है शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड वो सब यही सोच रही थी कि वो उनको कितना मज़ा आता होगा वो कितना इन्जॉय करते होंगे ठीक है पिछली जितने भी सेंचुरीज हैं या पिछले जितने भी अरसा गुजर चुका है उस वक्त सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इफ़ यू हैव एनी केयरज यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग